खबरी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। खबरी कही के एक रूमी ना बिल्कुल रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, आ गए का कैसन है? बढ़िया है ना? हमारे यहाँ ना 5 दिन का अलर्ट है बारिश का, जो आई ना कल पूरे दिन तो बरसी है बारिश, शाम को फिर बंद हो गई है, आज थोड़ा 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 बरसा, फिर तो आया नहीं। आपके यहाँ आई है कि नहीं आई है जरूर से बताइएगा। और अपना जो देसी अपनी जो देसी गर्ल है ना, वो बेटी मालती की फोटो शेयर की है, तो फोटो देखे खबर का है ना, फोटो दिखाते हैं खबर में और खबर भी बताते हैं। चलिए बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस के साथ प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की तस्वीर। जी हाँ, बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा इस समय मदरहुड को एंजॉय कर रही हैं। प्रियंका इस साल एक बेटी की मां बनी थी जिसका नाम उन्होंने मालती मैरी चोपड़ा जोनस रखा था। प्रियंका अपनी बेटी के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही है, हालांकि उन्होंने अब तक उनका चेहरा नहीं दिखाया है। प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर अपनी नई तस्वीर शेयर की जिसमें वो अपनी दोस्त के साथ नजर आ रही है, जबकि उन्होंने मालती को हग किया हुआ है। इस दौरान प्रियंका व्हाइट टी शर्ट शॉर्ट्स और हाइकिंग बूट्स पहने दिख रही हैं। हमेशा की तरह इस फोटो में भी प्रियंका ने बेटी का चेहरा नहीं दिखाया है। फोटो में प्रियंका की दोस्त भी अपने बच्चे के साथ नजर आ रही है। बता दें कि इस फोटो को शेयर करते हुए पीसी ने कैप्शन में लिखा 22 साल और काउंटिंग, और अब अपने बच्चों के साथ लव यू। प्रियंका ने इस साल जनवरी महीने में फैंस को सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी थी कि वो और उनके पति निक जोनस सरोगेसी के जरिए एक बेटी के पेरेंट्स बने हैं। इसके बाद प्रियंका ने पहली बार मदर्स डे के मौके पर बेटी मालती मैरी की तस्वीरें शेयर की थी। इस फोटो को शेयर कर प्रियंका ने लंबा पोस्ट लिखा था और बताया था कि मालती 100 दिन से ज्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती थी। बता दें कि पीसी ने लिखा था, इस मदर्स डे हम आपको अपने पिछले कुछ महीनों के उतार चढ़ावों से भरे एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं, जो हम जानते हैं कि आप में से कई लोगों ने अनुभव किए होंगे। 100 दिन से भी ज्यादा NICU में रहने के बाद अब अपनी बेटी घर आ गई है। हर परिवार का सफर अपने आप में अनोखा होता है, इसमें एक लेवल का विश्वास चाहिए। हमारे लिए पिछले कुछ महीने चुनौतीपूर्ण थे, जिसे अब पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि ये कितने अनमोल पल थे। हम लोग बेहद खुश हैं कि हमारी बेटी अब घर आ गई है। मैं लॉस एंजलिस के अस्पताल के हर डॉक्टर, नर्स और स्पेशलिस्ट को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से हमारी मदद की। हमारी लाइफ का नया अध्याय अब शुरू होता है। हमारी बेटी बेहतरीन है और मम्मी और डैडी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो कुछ इस तरीके से मदर्स डे के मौके पर प्रियंका चोपड़ा ने नोट लिखा था। खैर इस खबर में तो बस इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दर्शकों ये खबर में तो बस इतना ही। आपको कैसन लगी ना खबर हमको जरूर से बताइएगा। फिलहाल जाते हैं, नई खबर लेकर आते हैं, पर आप कहीं नहीं ना जाइएगा, आप जरूर से बने रहिएगा आंटी के साथ। जय राम जी के दर्शकों।